का प्लेइंग 11 हुआ ऐलान। कल के मैच के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नेपाल का प्लेइंग 11 हुआ ऐलान। एमएस धोनी आकाश चोपड़ा ने ऐलान कर दिया नेपाल टीम का बेस्ट प्लेइंग 11 पाकिस्तान के खिलाफ कल के मैच के लिए ऐलान कर दिया। दोनों खिलाड़ी ने अपना अपना स्क्वाड का ऐलान कर दिया। किन किन खिलाड़ी को एमएस धोनी ने आकाश चोपड़ा टीम में शामिल किया गाइस, तो इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा जो कल दोनों टीम लड़ेंगे, कौन जीते कौन हारे कल तो मालूम चलेगा। बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है। एमएस धोनी आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग 11 जाहिर किया, नेपाल टीम का बेस्ट प्लेइंग 11 घोषित किया, ऐलान किया। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किन किन खिलाड़ी को एमएस धोनी ने मौका दिया, किन किन खिलाड़ी को आकाश चोपड़ा ने अपने टीम में शामिल किया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कल खेलेंगे और लड़ेंगे। जो कि अभी का नेपाल का टीम का स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया, नेपाल के तरफ से नहीं आया। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आकाश चोपड़ा ने अपना प्लेइंग 11 में किस किस को डाला उनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद एमएस धोनी के बारे में बात करते हैं। एमएस धोनी किन किन खिलाड़ी को मौका दिए? आकाश चोपड़ा ने कुशल भोरतेल को मौका दिया है, आसिफ शेख को मौका दिया है, कुशल मल्ला को मौका दिया है, रोहित पौड़ेल को मौका दिए हैं, भीम सारकी को मौका दिए हैं, आसिफ शेख को मौका दिए हैं, गुलशन झा को मौका दिए हैं, दीपेंदर सिंह एदी को मौका दिए हैं आकाश चोपड़ा ने अपने प्लेइंग 11 में। संदीप लामे छाने को जगह दिए अपने प्लेइंग 11 में, सोमबाल कामिल को जगह दिए हैं, ललित राज पंची को जगह दिए। इसमें करण केसी को मौका नहीं मिला, करण केसी को जगह नहीं दिए हैं आकाश चोपड़ा ने। जो कि आकाश चोपड़ा ने ये अपना प्लेइंग 11 बताया, आप लोग वीडियो देखे होंगे, ये अपना बेस्ट प्लेइंग 11 बताएं पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि इसमें करण केसी को मौका नहीं मिला, करण केसी को मौका नहीं दिए हैं। जो कि ये बेस्ट प्लेइंग 11 जो सोचे वो बेस्ट प्लेइंग 11 बताएं। उसके बाद अब बात कर लें एमएस धोनी ने किन किन खिलाड़ी को मौका दिया पाकिस्तान को हराने के लिए। रोहित पौड़ेल कैप्टन है, करण केसी, आसिफ शेख, संदीप लामे छाने, कुशल भुरतेल, सोमबाल कामिल, गुलशन झा, ललित राज पंछी, कुशल मल्ला, भीम सारकी, आसिफ शेख। जो देखा जाए एमएस धोनी का जो प्लेइंग 11 बहुत बेस्ट प्लेइंग 11 ऐलान किया एमएस धोनी ने, जो कि इसमें करण केसी भी है। बेस्ट प्लेइंग 11 ऐलान किया एमएस धोनी ने, जो कि एमएस धोनी जानते हो एमएस धोनी कितने बड़े खिलाड़ी हैं, हर किसी को मालूम 5 बार आईपीएल खिताब वो चेन्नई को जिताए हों। जो कि यह बेस्ट प्लेइंग 11 एमएस धोनी ने बताया, जो कि इसमें करण केसी है, फिर उसमें आकाश चोपड़ा के प्लेइंग 11 में करण केसी नहीं है, करण केसी उनको मौका नहीं दिया गया। जो कि ये दोनों खिलाड़ी ने ऐलान कर दिया नेपाल टीम का बेस्ट प्लेइंग 11 पाकिस्तान को हराने के लिए। क्या लगता है गाइस, जो एमएस धोनी आकाश चोपड़ा जो प्लेइंग 11 ऐलान किया, किसका बेस्ट प्लेइंग 11 है, कौन पाकिस्तान को हरा सकता है, कौन सा बेस्ट प्लेइंग 11 है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और अपना राय भी दे सकते हो। अगर आपका कोई प्लेइंग 11 हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल जो दोनों खिलाड़ी ने जो ऐलान किया वो अपना बेस्ट ऐलान किया, बेस्ट प्लेइंग 11 ऐलान किया है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए, और नेपाल का जो बेस्ट प्लेइंग 11 उनको लगा, जो बेस्ट खिलाड़ी लगे उन खिलाड़ी को मौका मिला हुआ। और मैं तो आप लोग बता दिया था, 2 वीडियो में डाला था कि मेरा क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है एशिया कप के लिए, तो आप जाके देख सकते हो, वीडियो में लिंक डाल दूंगा, अब आई बटन में आपको मिल जाएगा। बहुत बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि नेपाल टीम एशिया कप में क्वालिफाई कर, तो बातें कर रहे हैं, बातें चल रहा है, कोई प्लेइंग 11 ऐलान कर रहा है, कोई बोल रहा है पाकिस्तान नेपाल हरा सकता है और नेपाल पाकिस्तान को हरा सकता है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि बहुत बड़ा कुछ उलट फेर कर दे, रच दे इतिहास, उलट फेर भी हो सकता है, बहुत उलट फेर अभी हुआ है वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में हुआ था, तो हो सकता है कि नेपाल टीम भी पाकिस्तान या इंडिया को हरा दे, दूसरा राउंड में पहुंच जाए। अगर ऐसा करेगा नेपाल टीम तो रविवार दिन रच देगा इतिहास में, कि हम लोग उम्मीद रखेंगे नेपाल टीम अच्छा इससे अब कप में करे, कल के मैच में पाकिस्तान के मैच में अच्छा करे और जीते ना जीते तो फाइट करे पाकिस्तान के साथ, इजी ना हारे। एमएस धोनी का जो प्लेइंग 11 आकाश चोपड़ा का प्लेइंग 11 आपको मालूम हो गया गाइस, तो आप वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर गाइस आप लोग नेपाल का डाई हेट फैन हो तो वीडियो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप नेपाल का डाई हेट फैन है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्त यार में शेयर कीजिए। अगर गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।